अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज एक और बहुत ही मज़े का किस्सा मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जिसका नाम है कीमती मोती की तलाश। वैसे तो हम सब ने बहुत से मोतियों के बारे में सुना है, लेकिन ये मोती कुछ अलग ही मोती हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा ये आखिर कौन से मोती थे। लेकिन इससे भी पहले कि मैं आप सब से इस किस्से को शेयर करूं, मैं कुछ सवालात इस किस्से के बारे में आप सबको बताती हूं, जिसके सवालात के जवाबात आपको आज के इस किस्से में मिलेंगे। तो ये सवालात हैं, कीमती मोती की तलाश के सवालात। कीमती मोती की तलाश किस तरह शुरू हुई? कीमती मोती का माजरा क्या था? इल्म के मोती क्या हैं? वजीर आखिरकार कहाँ खुशी खुशी पहुंचा? वजीर को परी किस तरह मिली और क्यों मिली? दोस्तों, इन सारे सवालात के जवाबात आपको आज की मेरी इस कहानी में मिल जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को सुनना शुरू करते हैं। कहानी कीमती मोती की तलाश। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है, किसी मुल्क का एक ताजिर तजारत की गर्ज से बगदाद पहुंचा। इन दिनों तजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तजारत करने जाता, सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता। मुलाकात करने के साथ साथ अपना सारा सामान तजारत दिखाता और इसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता। चुनाचा इस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश किया गया। अब ये ताजिर बादशाह के दरबार में पेश हो गया था। ताजिर ने बादशाह के हजूर तहाइफ पेश किए और फिर माल तजारत निकाला और एक एक चीज की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हजूर, ये पानी से चलने वाली गाड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। ये कालीन है जो ईरान से खरीदा है और ये खालिस रेशम की तार से बना है। ये कलम मुलाहिजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीजें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शयानो शान कोई चीज नजर नहीं आई? ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा। बादशाह सलामत यूं तो ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा बादशाह सलामत यूं तो वहाँ आपके शायानो शान बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई, इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ कयाम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था, इसलिए मैं वो नहीं ला सका। बादशाह ने कहा, भला वो क्या चीज़ थी? अब बादशाह ने वजीर से सवाल किया, भला वो क्या चीज थी जिसका तुम मेरे सामने इतना इसरार कर रहे हो? ताजिर बोला, जनाब, वो एक मोती है और इसकी खूबी ये है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है और इसको कोई चुरा भी नहीं सकता है, और इस मोती से बहुत से जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह ताजिर की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे जरूर हासिल करना चाहता हूँ। इसने
फौरन अपने एक खास वजीर को समानो सवारी इस हदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वजीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समुंदरों, पहाड़ों और सहराओं गर्ज के हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से इस नायाब मोती के बारे में पूछा, मगर सबने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं जो चोरी ना हो सके और इसे बहुत से जेवर में भी इस्तेमाल किया जाए और जेवर भी बन जाए। जब ये वजीर लोगों से इस मोती के बारे में पूछता तो लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर लगता है पागल हो गया है। यूं महीनों बीत गए, ना उम्मीदी के साए गहरे होने लगे, मगर बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन नहीं लेने देता था। अब वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि इसे कोई ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ना मिल सका। आखिरकार इसने वापसी का इरादा कर लिया। वजीर अपनी नाकामी पर जारो कतार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात खासी बीत चुकी थी। और वो बहुत थक गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि इसे एक लम्हे एक रोशनी अपनी जाने बढ़ती हुई नजर आई। जैसे ही वजीर ने अपनी जानिब एक रोशनी को बढ़ते हुए देखा, पहले तो वो बहुत डर गया, मगर फिर एक आवाज ने इसको हौसला भी दिया। अरे नौजवान, डरो मत, मैं एक अच्छी परी हूँ। बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? मुद्दतों का थका मुसाफिर लगता है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूँ? अच्छी परी के इस सवाल ने वजीर को बहुत ज्यादा हौसला दिया। अब वजीर ने अपनी सारी दास्तान कह सुनाई कि इसे जिस मोती की तलाश थी वो इसको कहीं से भी नहीं मिला। अब अच्छी परी वजीर के सामने आ चुकी थी और वो वजीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी और बोली, अफसोस कि तूने अकल से काम नहीं लिया और महज एक मोती की तलाश में निकल पड़ा, महीनों मारा मारा फिरता रहा। वजीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अब वजीर ने इस बात का मतलब परी से पूछा। परी बोली, भले आदमी, वो दरअसल मोती इल्म का मोती है। मोती इल्म का मोती है, लेकिन तू इसकी जाहरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी चीज है जिसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं, और इसे समुंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन इससे जेवर बनाने वाली सिफत क्या है? वजीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अच्छी परी ने वजीर को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वजीर, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक इसके नाम से नहीं बल्कि इसकी अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिसे ये हासिल हो जाए वो इससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और इसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है और घटता भी नहीं है। वजीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बिला आखिर कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। अब वजीर ने बहुत दिल से परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी वहां से गायब हो गई। अब वजीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता अपने मुल्क को रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया, तो बादशाह भी परी की बात का कायल हो गया।
कि सिर्फ इल्म ही वो मोती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दोस्तों, इल्म एक ऐसा मोती है जिसकी चमक दमक जमीन से आसमान, फर्श से अर्श तक है, और इल्म के इस मोती की रोशनी में ही इंसान इस कायनात के खल्को मालिक तक रसाई हासिल करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये मेरा किस्सा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको मेरा आज का ये किस्सा कैसा लगा ज़रूर मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, और मुझे अपनी प्यारी सी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबके लिए एक और नया किस्सा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे दोस्तों।